ओके, हम बात कर रहे हैं एक्स और के ऊपर, राइट। जैसे कि पहले हमने आपको लास्ट क्लास में एग्जांपल समझाया था कि एक्स ऑफ होता है क्या, मतलब दो चॉइसेस में से एक चॉइसेस को लेना, बात समझे। जैसे मान लीजिए कि दिल्ली है हमारा, और ये हमारा दिल्ली है, और ये हमारा पुणे, तो आपको इसमें से चॉइस करना है कोई एक, मतलब ये आपको जो है अपने ऑफिस चॉइस करने के मिला है कि आप ऑफिस चॉइस करेंगे, तो आप ऑफिस में से चॉइस करेंगे, इन दोनों में से एक चॉइस करना है, ठीक है। अब दोनों जगह एक साथ तो जॉब नहीं कर सकते ना, कोई एक ही करना पड़ेगा। तो यहां पे सिचुएशन समझिए कि हमारे पास बहुत ऑफ चॉइसेस है, लेकिन उसमें से किसी एक को ही फिल करना है। जैसे कि हमारे पास रेडियो बटन होते हैं, जब किसी एक पे क्लिक कर सकते हैं, सारों पे क्लिक नहीं होगा। तो इन्होंने किसी एक पे क्लिक किया है, कंडीशन को सही तरीके से सेलेक्ट किया है नहीं, इस चीज को जानने के लिए हम एक्स और का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, एक्स और। तो एक्स और में सिंपल सी वे है कि इसको जो है दो कंडीशन चाहिए, और दो में से किसी एक को ही ट्रू चाहिए, और ये जो वन है ये फिक्स है। अगर दोनों नहीं हुए फिर भी फॉल्स, अगर दोनों हुए फिर भी ट्रू, फिर भी फॉल्स, तो एक ही चाहिए। तो सर एग्जाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा बताता हूं आपको। जैसे कि यहां पे हमारे पास नेम है, ठीक है, नेम है, और मान लीजिए कि क्वांटिटी है, एमआरपी है, और यहां पे डिस्काउंट है, और यहां पे फ्री डिलीवरी है, और यहां पे टोटल यहां पे, ठीक है। अब यहां पे क्या है कि अगर मैंने कोई सेल बेचा, जैसे 20 बेचा, एमआरपी 30 था, तो अगर मैं इसके डिस्काउंट निकालना चाहूं, डिस्काउंट निकालना है, तो मान लीजिए कि इसमें टोटल लिख देता हूं, मतलब कि यहां पे अमाउंट, तो अमाउंट हमारे एमआरपी मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। अब यहां पे क्वेश्चन ये है कि भाई यूजर जो है खैर डिस्काउंट ले सकता है या फिर फ्री डिलीवरी ले सकता है। अगर आपने फ्री डिलीवरी लिया तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, अगर आपने डिस्काउंट लिया तो फ्री डिलीवरी नहीं मिलेगा। तो अब यहां पे मुझे क्या करना है कि दैट माइनस इसको करना है, हमने माइनस ये कर। अब क्या है कि अब यहां पे मुझे एंट्री करवानी है, मतलब कॉलम में हमें ऐसा डेटा ग्रेडेशन चाहते हैं कि कोई इसमें अगर एंट्री कर दिया तो इसमें ना कर पाए, अगर किसी ने इसमें एंट्री किया तो इसमें ना कर पाए। समझ में आया सर कि ये चॉइसेस है कि दोनों में से कोई एक ही ले सकता है, दोनों में से कोई एक, क्लियर है। आपको प्रॉब्लम समझ में आया कि नहीं सर? अरे बोलिए आप लोग प्लीज, गुलशन जी, रमेश जी, सुनील जी, प्रॉब्लम समझ में आया? हेलो, समझ में आया कि नहीं सर? अब इसमें क्या करना है, यही चीज हम अब इसके लिए फॉर्मूला तो चाहिए, तो डेटा कैलकुलेशन में हम कस्टम में जाएंगे और कस्टम में एक्स और फॉर्मूला लगाते हैं, और एक्स और में बोलते हैं कि अगर ए ग्रेटर देन 0 कॉमा अगर ए ग्रेटर देन 0। तो अब ये डेटा कैलकुलेशन ट्रू पे चलता है, अगर मैं इसमें एंट्री डाला और एंट्री डालने के बाद अगर ट्रू रिजल्ट आया तो एंट्री एक्सेप्ट कर लेगा, अगर ट्रू रिजल्ट रिकॉर्ड नहीं है, ट्रू नहीं आया, तो फिर एंट्री को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और इसको आगे भेजने से पहले मुझे इसके ऊपर डॉलर साइन लगाना होगा ताकि मेरा कॉलम चेंज ना हो, और मैंने इसको यहाँ पे क्या हुआ कुछ लिखो तो क्या मैंने परसेंटेज लगा दिया। तो अब इस अलर्ट में हम यहाँ पे कर देते हैं Choose only
choose only one offer. ठीक है, और फिर मैंने इसको कॉपी किया और एक एरिया संभावित एरिया पे गया, राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में हमने इसमें वैलिडेशन कर दिया। अब क्या होगा कि मैंने यहाँ पे अगर 500 डाल दिया, एंट्री एक्सेप्ट कर लिया, और जैसे मैं यहाँ पे 600 डाला डिस्काउंट, एंट्री एक्सेप्ट नहीं किया, समझे? अगर मैंने यहाँ पे 800 डाल दिया, एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे 140 डाला, एक्सेप्ट नहीं किया, तो जहां पे मुझे आशा है कि आप लोगों को एक्स और का यूज समझ में आ गया। हाँ सर, सर मुझे नहीं समझ में आया आपने क्या बोला। डेटा वैल्यूएशन में कस्टम में फॉर्मूला डालने का ऑप्शन होता है, वहां पे जाकर डाल दिया हमने। डेटा वैल्यूएशन का मेन मोटिव क्या है पता है? ट्रू एंड फॉल्स पे चलता है। यहां ध्यान दीजिए, डेटा वैल्यूएशन ट्रू एंड फॉल्स पे चलता है। अगर डेटा वैल्यूएशन में जो फॉर्मूला आपने डाला है, अगर उसका रिजल्ट ट्रू आया, मैंने यहाँ पे सेटिंग में गया, यहाँ से कस्टम में जाके फॉर्मूला डाला है, तो डेटा वैल्यूएशन बोलता है कि अगर आपने जो फॉर्मूला डाला है, अगर वो फॉर्मूला का रिजल्ट ट्रू आया तो मैं एंट्री एक्सेप्ट करूंगा, अगर फॉल्स आया तो एंट्री एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अब एक्स और क्या कहता है कि मेरे पास जो दो कंडीशन आपने दिया है, दोनों में से कोई एक अगर ट्रू हुआ तो मैं ट्रू करूंगा, दोनों ट्रू होगा तो ट्रू नहीं करूंगा। तो अगर किसी ने अगर दोनों में एंट्री डालने की कोशिश की तो एक क्या करेगा, चेक करेगा, तो इसको दोनों ट्रू मिलेगा, मैंने ग्रेटर देन जीरो दोनों कॉलम मिलेगा, तो एक्स और रिजल्ट फॉल्स देगा और डेटा वैलिडेशन फॉल्स पे एक्सेप्ट नहीं करता है, समझे? अब समझ में आया कि नहीं सर? हाँ, और बहुत सारी चीजें हैं, मैं एक सॉल्ट एग्जांपल दिया, डेटा एनालिसिस पढ़ाऊंगा तब आपको पूरी तरह से समझ में आएगा कि आखिर क्या है। ठीक है, तो किसी को और कोई प्रॉब्लम है इसमें? एंड और किसी को प्रॉब्लम है इस एंड और में? चलिए,